जो जो लेडी ऑफ जस्टिस जो है, हम देखते हैं कि उनके आंखों में जो आइन जो उसके उनकी आंखों में जो पट्टी जो हम देखते हैं कि सब एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ, यही तो है उनका मतलब। क्या बीजेपी आज उस लीगैलिटी के ऊपर आंखों में पट्टी डाल रही है क्या? नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही लिस्ट में सबका नाम है लेकिन उनमें से जो जो बीजेपी ज्वाइन कर रही है, दैट हैज बिकम द वे टू अवॉइड यू नो अवॉइड ईडी सीबीआई और व्हाटएवर, जो भी उन्होंने क्राइम किया है, जो भी जिन क्राइम में उनका चार्जशीट में नाम है, वैसे चीज़ों में भी उनको कोई भी इंट्रोगेशन के भी लिए बुलाया नहीं जाता, जबकि रोज वैली शारदा ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक के मनी को हड़पने की मामला है। पब्लिक का मनी जो है उन्होंने हड़प लिया, गरीब लोगों का पैसा उन्होंने ले लिया, 9 साल से ये चीज़ चल रही है। तो इसमें राजनीतिकरण जो है वो स्पष्ट दिख रही है। सुभेंदु अधिकारी केस में मुझे एक एक रीजन बताइए क्यों उनको बताया बुलाया नहीं जाए। तो ये डेफिनेटली कल जब सुदीप्तो सेन ने क्लियर कैमरा के सामने, इतने दिन के बाद हमने उनको बात करते हुए देखा, उन्होंने सीधा सुभेंदु अधिकारी का नाम लिया और ये यहाँ तक कहा कि उन्होंने पैसा लेने के बाद उनको ब्लैकमेल भी किया हुआ है, ये बात उन्होंने कही। इसके बाद अगर उनको नहीं बुलाया जाएगा तो सीबीआई का फिर क्या मतलब रह गया? साथ में मत करिए, महाराष्ट्र के सिचुएशन को लेकर अभी आप क्या कहेंगे? नहीं कहने का क्या है, वो जो हो रहा है हम लोग सारी चीजें देख रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो चीज गया है, सब जुडिस है और कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल खेल हो रहा है, ये तो हमको दिख ही रहा है, ये दिख ही रहा है। बाकी क्योंकि ये सब जुडिस है मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जो डेप्यूटी स्पीकर है जो एकनाथ शिंदे का जो कोर्ट है, जो उद्धव ठाकरे हैं, सारे लोग उसमें पार्टी है। आई विल नॉट मेक अ कमेंट ऑन दैट, बट ये ड्रामा जो हो रहा है इसमें बैंड जो है, बैंड मास्टर जो है वो कोई और है जो सामने नहीं दिख रहा है। So if you see on paper, and on experience, there is no questioning the fact that Yashwant Sinha is a much more experienced, is a real knowledgeable person who had been in politics for a very long time and had a very with different governments and very respectable positions. He is also, you know, a constitutional expert. So in many ways, who wins, who doesn't, that's a different thing. But in many ways, Yashwant Sinha is a better candidate when it comes to qualification that is required for the job. बाबू साहब एक सवाल आपकी है, क्या आपको लगता है कि इस बार संजय राउत को चिट्ठी भेजना ईडी के तरफ से ये पॉलिटिसाइजेशन मतलब कोई भी सेंसिबल पार्टी जिन्होंने कहा कि जो भी महाराष्ट्र में हो रहा है, उसका बैंड लीडर कोई और है जो दिख नहीं रहा है, इसमें ऐसा होता है। अभी सब जुडिस हो गया, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही मतलब जो ऑपोजिशन जो एलिगेशन लगा रहा है, कई हद तक सच भी दिख रहा है कि चुन चुन के जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनको ही टारगेट किया जा रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बीजेपी अपने आप को दुनिया का सबसे बृहद पार्टी माने और उसमें ऐसा कोई आदमी नहीं हो, कोई भी ऐसा नेता नहीं हो जो करप्टेड हो और जो करप्शन के साथ जुड़े हुए उनके खिलाफ सीबीआई भी नहीं हो सकता। तो ये तो एबनॉर्मल, ये हो ही नहीं सकता। तो इसमें पॉलिटिक्स तो जरूर दिख रही है, लेकिन आज एक संजय राउत को आज ही ईडी का चिट्ठी भेजना जो है, इससे मेरे ख्याल से बीजेपी इसको एस्टैब्लिश कर रही है और स्ट्रांगली एस्टैब्लिश कर रही है कि सीबीआई प्राइम मिनिस्टर को नहीं, बीजेपी हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट।
एडमिशन गोइंग ऑन इन प्रीमियम कोर्सेज, कंप्यूटर कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज, कॉम्पिटिटिव कोर्सेज एंड कोचिंग क्लासेस इन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। 55% পর্যন্ত অফ চলছে। মানে স্টাইল বাজারে চলছে ব্যাগ ভর্তি চৈত্র। কেনাকাটায় পাবেন 55% পর্যন্ত ছাড়।